नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है वो है समस्तीपुर जंक्शन बिहार से लुधियाना जंक्शन पंजाब तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है समस्तीपुर बिहार से लुधियाना जंक्शन पंजाब तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समस्तीपुर जंक्शन से कौन कौन सी ट्रेन है वो चलती है लुधियाना के लिए, और उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर, और समस्तीपुर से कौन से दिन चलती है, कितने बजे चलती है, लुधियाना में कितने बजे पहुंचती है और कितनी दूरी वो कवर करती है, और कितने समय में वो ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन से लुधियाना जंक्शन की दूरी जो है कवर करती है, और उसकी एवरेज स्पीड क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। समस्तीपुर से लुधियाना के बीच में तकरीबन 11 ट्रेनें चलती हैं। एक गरीब रथ एक्सप्रेस है, 8 मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, 2 सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है इस रूट पे न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर कर्मभूमि एक्सप्रेस, और सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है कामाख्या कटरा एक्सप्रेस जो कि 29 घंटे 25 मिनट का समय लगाती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे इन सभी ट्रेनों की डिटेल्स के बारे में, एक एक करके बात कर लेते हैं जो भी समस्तीपुर जंक्शन बिहार से लुधियाना जंक्शन को कनेक्ट करती है। अगर बात करें पहली ट्रेन के बारे में जो कि समस्तीपुर जंक्शन से लुधियाना के बीच में चलती है, वो है कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है 11 ट्रेनों में से, तकरीबन 29 घंटे 25 मिनट का समय लगाती है। इसका पूरा नाम है कामाख्या कटरा एक्सप्रेस। ये कामाख्या असम से चलती है, बट हम समस्तीपुर से लुधियाना के बारे में बात करेंगे। तो इसका ट्रेन नंबर है 15655, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे डिवीज़न द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। समस्तीपुर जंक्शन से हर सोमवार को ये रात के 3 बजे चलती है, और तकरीबन 20 स्टेशन्स हैं, और 8:25 पे अगले दिन लुधियाना में पहुंचती है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सेटिंग के कोच हैं। 1370 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है, मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। जिसके बाद जो दूसरी ट्रेन है जो कि बहुत ही फेवरेट और पॉपुलर ट्रेन है इस रूट पर, वो है आम्रपाली एक्सप्रेस। आम्रपाली एक्सप्रेस जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे डिवीज़न जो है इसे ऑपरेट करता है। आम्रपाली एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 15707। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। अगर हम बात करें इस ट्रेन की डिटेल्स के बारे में, तो समस्तीपुर जंक्शन से लुधियाना जंक्शन की जो दूरी है तकरीबन 28 घंटे 35 मिनट में कवर करती है, और उसके तकरीबन 39 स्टेशन हैं। 1438 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। ये वाया दिल्ली होकर चलती है, और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। अब LHB कोचेस में लगाए जा चुके हैं, और डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच है। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है इस रूट पे, अगर आप समस्तीपुर से लुधियाना या अमृतसर तक जाना चाहते हैं। वैसे ये ट्रेन जो है आम्रपाली एक्सप्रेस जो है अब LHB कोचेस वाली ट्रेन है। तो इस आम्रपाली के बाद अब हम बात करेंगे तीसरी ट्रेन के बारे में जो कि समस्तीपुर जंक्शन से लुधियाना को कनेक्ट करती है, वो है गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस। गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस जो है वीकली ट्रेन है। हर बृहस्पतिवार को ये ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन से सुबह 5:40 पर चलती है, और 25 घंटे 50 मिनट बाद लुधियाना जंक्शन पंजाब में सुबह 7:30 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है, और इसके तकरीबन 24 स्टेशन्स हैं। इसका ट्रेन नंबर है 15653, 1344 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीज़न द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है। इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकेंड सीटिंग के कोच हैं। हर बृहस्पतिवार को ये चलती है। इसके बाद जो अगली सुपरफास्ट ट्रेन है इस रूट पे चलती है वो है मौर ध्वज एक्सप्रेस। मौर ध्वज एक्सप्रेस जो है वो हर इतवार को चलती है, और इसका ट्रेन नंबर है 124-91। ये जो ट्रेन है इसमें थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच है। हर इतवार को चलती है, 25 घंटे का समय लगाती है ये ट्रेन मौर ध्वज एक्सप्रेस जो है वो समस्तीपुर से लुधियाना तक का, और इसके तकरीबन 18 स्टेशन्स हैं, और 1296 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 12491, और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। ये जो ट्रेन है वैसे जम्मू तक जाती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो समस्तीपुर से लुधियाना जंक्शन तक की बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है जनसाधारण एक्सप्रेस।
जिसका पूरा नाम है सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कि वाया चंडीगढ़ होकर चलती है। यह हर इतवार को चलती है सुबह 6:20 पे समस्तीपुर जंक्शन से 2 नंबर प्लेटफॉर्म से, और 29 घंटे बाद यह ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन पंजाब में पहुंचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं, 1340 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है, और एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। हर इतवार को चलती है और सोमवार को सुबह 11:20 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे लुधियाना जंक्शन में पहुंचती है। इसका ट्रेन नंबर है 15531। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है इसे ऑपरेट करता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है, इसमें सिर्फ सेकंड सीटिंग के कोच हैं, तो आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तकरीबन 20 सेकंड सीटिंग के कोच होंगे इस ट्रेन में, और ये जो ट्रेन है LHB कोचेस वाली ट्रेन है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। समस्तीपुर जंक्शन से हर इतवार को सुबह 6:20 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है। तो आगे बात करते हैं इस रूट पे अगली ट्रेन के बारे में, जिसका नाम है सरयू यमुना एक्सप्रेस। सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है जयनगर को अमृतसर से वैसे कनेक्ट करती है, बट हम जो बात कर रहे हैं इसमें समस्तीपुर से लुधियाना के लिए। तो सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है समस्तीपुर जंक्शन से हर इतवार, मंगलवार और शुक्रवार को ये ट्रेन जो है चलती है सुबह 10:50 पे, और 26:50 बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन पंजाब में पहुंचती है दोपहर के 1:40 पे, और इसका ट्रेन नंबर है 14649। ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 37 स्टेशन हैं, 1345 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 50 किलोमीटर पर आवर। सेकंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल डिब्बे हैं। तो आप रिजर्वेशन के लिए रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करें। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है शहीद एक्सप्रेस। शहीद एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 4 दिन चलती है समस्तीपुर जंक्शन से, हर सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को यह लुधियाना के लिए रवाना होती है। शहीद एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 146-73। समस्तीपुर जंक्शन से ये ट्रेन जो है सुबह 10:50 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है, और 26:50 बाद ये लुधियाना जंक्शन पंजाब में दोपहर के 1:40 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, और इसके तकरीबन 35 स्टेशन हैं, 1328 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है वो है लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। इसका ट्रेन नंबर है 146-73। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच हैं। ICF के इसमें कोचेस लगे हुए हैं, और एवरेज स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद जो अगली ट्रेन है इस रूट पे वो है न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर कर्मभूमि एक्सप्रेस, जो कि सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है। अगर आपने समस्तीपुर से लुधियाना के बीच में जाना है, मात्र 23:30 पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, और इसका ट्रेन नंबर है 124-07। इसमें सिर्फ सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल डिब्बे हैं। तो 23:30 पे ये ट्रेन जो है समस्तीपुर से अमृतसर तक अपनी दूरी जो है कवर करती है, और इसके तकरीबन 12 स्टेशन से हर बुधवार को चलती है। 1296 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस। यह गरीब रथ टाइप की ट्रेन है, और इसमें थर्ड एसी और एसी कार के कोच हैं। इसका ट्रेन नंबर है 122-03। ये जो ट्रेन है 24:20 पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है, और समस्तीपुर जंक्शन से हर इतवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को शाम के 6:05 पे 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और ये जो ट्रेन है 24:20 पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है, और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं, 1418 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 58 किलोमीटर पर आवर, और इसका ट्रेन नंबर है 122-03। ये जो गरीब रथ एक्सप्रेस है इंडिया की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस है, जो कि अमृतसर तक चलती है, और नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है, और इसमें AC थर्ड टीयर और AC चेयर कार के कोच है। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे है वो है जननायक एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15211। ये जो ट्रेन है सेकंड सीटिंग वाली कोच है, इसका ट्रेन नंबर है 15211, और 27:53 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। समस्तीपुर जंक्शन से ये ट्रेन जो है हर सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को शाम के 7:03 पे पहुँच चलती है, और 27:53 बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना में अगले दिन रात के 10:56 पे चलती है। ये हर सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलती है। इसमें सिर्फ सेकंड सीटिंग के कोच हैं, तकरीबन इसमें 20 से 22 कोच हैं सेकंड सीटिंग के, और मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है इसे ऑपरेट करता है।
आईसीए कोचेस वाली ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 15211। इसके तकरीबन 35 स्टेशन हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आखिरी ट्रेन चलती है इस रूट पे, जो आखिरी ट्रेन इस रूट पे चलती है समस्तीपुर से लुधियाना के बीच में, वो है भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15097। हर शुक्रवार को सुबह 6:05 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन बिहार से चलती है, और 25:30 बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन में शनिवार को सुबह 7:30 पे पहुंचती है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। इसके तकरीबन 21 स्टेशन है, 1328 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। इसका ट्रेन नंबर है 15097। ये जो ट्रेन है इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ समस्तीपुर जंक्शन बिहार से लुधियाना जंक्शन पंजाब तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में अगर आपके कोई सुझाव है या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।